पैसे के लेन देन में हुए विवाद के चलते युवक ने पहले एक व्यक्ति को मार दिया, उसकी पहचान उजागर ना हो जाए इसलिए उसने मृतक की पत्नी की भी हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भिजवा दिया है। नहर के धतूरा गांव के रूपगंज में बीते 24 मार्च को ईंट बनाने वाले दंपति के शव मिले थे। इस घटना की पुलिस ने बारीकी से जांच की और इस अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या रूपगंज निवासी सुरेंद्र कोल ने की है। उसने पूछताछ के दौरान घटना के बारे में विस्तार से बताया और स्वीकार किया पैसे के लेन देन की बात को लेकर उसने पत्थर से पटक कर पहले पति और बाद में पत्नी की हत्या कर दी। पहचान उजागर ना हो इसके लिए मृतक की पत्नी की भी हत्या की और मौके से फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया। कल रात को ये लोग ईंटा भट्टी में ईंट बनाने के कार्य के लिए आए थे, जो कि किसी रामचंद्र पटेल करके व्यक्ति का है। उसी हफ्ते पर काम रात्रि में इन्होंने चालू किया और रात को 9 से 9:30 के बीच में 10 बजे के आसपास वहां पर एक व्यक्ति आया, जिसने आकर और मिट्टी का जो ढेला था बड़ा सा, जो उसे घटना स्थल पर जब्त भी किया गया है, जो पत्थर की जैसे खड़ा था, उसे सगले पति के ऊपर पटका और उसके बाद वहां पर महिला जो भी लगभग 70 फीट दूर ईंट बनाने का कार्य कर रही थी उसके पास गया तो पत्नी ने कहा कि उसकी तेज सांसों की आवाज आ रही है, इसी बीच उसने उसको भी पटक दिया और उसके ऊपर भी पत्थर से जो मिट्टी का ढेला बड़ा सा ढेला था उसको मार के उसकी हत्या कर दी। हत्या का जो मोटिव पता चला है उसमें उसके पुराने पैसे की लेन देन की मांग थी और उसको सदैव डराता और धमकाता रहता था कि मौका मिलने पर मैं तेरी हत्या कर दूंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।